रात का वक्त और देर शाम से मीटिंग से इधर में सांप नहीं रहते और इस तरह से देख सकते हैं दोनों इस तरह से वो अंदर जा चुके हैं। धामन जाति के सांप है और इस तरह ये तबेला है थोड़ा सा पुराना जैसा। काय नाव तुमचं? तानाजी जाधव। इकडे 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 एक मिनिट। मराठी त्याने चालला? मराठी प्युअर मराठी थोडा आहे। तर या ठिकाणी दोन्ही होलमध्ये आहेत आणि हे जुळे साप आहेत। थोडासा एक ग्रे शेडमध्ये दिसतोय आणि एक पिवळसर रंगामध्ये दिसतोय। दोन्ही मात्र शिपट्यांवरती जे आडवी उडे जे पट्टी पिवळसर लाल हे आपण धामनला ओळखण्यासाठी वापर करू शकता। दोन्ही धामन आणि दोन्ही धामन आणि हे मिलन अवस्थेत असतात। खरं तर धामन आणि धामन आणि नाग जुळतात म्हणतात ते चुकीच असून धामन धामन जुळतात। आम्ही 17 वर्ष एक्सपिरियन्स लोक ऐकून घेतात हा मोठा प्रॉब्लेम आहे। आणि ते दोन नर पण असू शकतात ते मादीसाठी फाईट करतात असं म्हणण्यापेक्षा ते चढावड करत असतात असं म्हणावं लागेल। आणि आपल्या आसपास पण असे साप येऊ शकतात त्याची आपण काळजी घ्यावी लागेल। तिसरासे अभी हम दोनों साथ में पकडेंगे और एक बड़ा लंबा छोटा रहता है लेकिन वहां पर कुछ क्रिया हो रही है। अंदर कुछ जो साप है एक दूसरे को दबोचने की अगर वो नर मादा है तो उसको उकसाने का कोशिश करता है उसको भड़काने का कोशिश करता है। और हाँ बेटी तो ये जो सांप है यहाँ पर एक बात खास है कि नाग किंग कोबरा में और धामन में ये जो ओपन में सांप देखे लेकिन किंग कोबरा जो नागराज होते हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है लेकिन धामन जो है उनकी संख्या ज्यादा और वो ओपनली दिखाई देते हैं। ये धीरे धीरे बाहर आ रहा है मतलब हम कितने नजदीक हैं लेकिन सांप ज्यादा दूर का सोचता नहीं। इसका एक एग्जाम्पल है अभी उसको पता नहीं हमें देखने के बाद तो थोड़ा उसको पता चलेगा। और सांप ज्यादा दूर का सोचता नहीं उसको भाप लेता है लेकिन अगर मेटिंग पीरियड में है तो सांप समझने ये नहीं सोच पाता कि दूर का आ रहे हमें कौन इंसान है क्या है कोई खतरा है डर निकल जाता है डर निकल जाता है और वो धुंध हो जाते हैं एक दूसरे में। और ये अगर मुंह निकालेगा तो हमें देखना देख पड़ेगा अरे यार कौन है बाहर भागने का कोशिश ये देखो इसका शुरू हो जाएगा तो जा सकता है भाग सकता है हलचल कर सकता है इस तरह से हमारे नजदीक। और ये बहुत ही सीधा साधा सांप सर आप पकड़ लीजिए आराम से इसको। और ये धामिनी धोनी में देखिए। और दूसरी बात ये है एक तो उसकी खोज में निकला है यहाँ पर देखिए इसने कुछ खाया है मतलब अगर ये कुछ खाया हुआ मिलता था सिर्फ तो हम सोचते थे कि यार खाने ये तो मीटिंग परेड का कुछ बात नहीं है लेकिन यहाँ पर इसके साथ में जो दूसरा आया है ये देखिए यहाँ पर फोकस करो यहाँ पर फोकस करो। अच्छा नजदीक लो मीटिंग ये देखिए ये मेल और फीमेल है इकडे जवळ घ्या तुम्ही जवळ घेऊ शकता जवळ घ्या एकदम जवळ साप काय करत नाही काय करत नाही इथे इकडे जवळ घ्या काय करत नाही ये ये आराम से काय करत नाही एक मिनिट छोड़ दीजिए काय करत नाही ते हे लोग मीटिंग घेऊ काय करत नाही ते मी घेतो जर शिफ्टीकडे घ्या आज छोड़ दीजिए प्लीज ये नजदीक लो प्लीज नजदीक से ये दिख रहे ना ये सांप का शिश्न है जो मैं सर आपको मेल या फीमेल मेल का ही शिश्न रहेगा ना। अच्छा तो ये जो है ये दोनों बाजू में दो रहता है और जिस साइड से सांप मिलन का सोचता है उसी साइड में से वो अंदर घुसाता है। तो काफी देर से मिलन हो रहा है तो निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मांसाहारी प्राणी है लेकिन काफी देर बाद हम ये कर रहे हैं तो छूट जाता है तो छूटना मुश्किल हो जाता है। इसका कारण है मांसाहारी प्राणी और हम सांप पकड़ के ढेर सारी बातें नहीं कर सकते इसलिए आपको आसानी के साथ बताना मुश्किल है लेकिन डिटेल में इसका हम वीडियो जरूर बनाएंगे। सर आप आराम से पकड़िए। अच्छा ये जो है मेल है थोड़ा सा फर्क और शाम का वक्त है ये जो यहाँ पर जो होता है फीमेल और मेल में थोड़ा फर्क रहता है ये पूंछ की जो लंबाई है उसमें भी फर्क रहता है। और एक बात जैसे मादा ने कुछ खाया है मतलब मेल ही फीमेल के पीछे दौड़ते हैं और खाया है उसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है लेकिन यहाँ पर मिलन हो चुका है मिथुन काल और शीश ने उसमें अंदर डाला हुआ था मतलब मीटिंग परेड में हमने उसकी उनकी प्यार में बाधा डाला ऐसा हो जाता है लेकिन इसी के कैमरा घुमा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जानवर है। सर जो है सर आपका नाम तानाजी जाधव अच्छे इंसान है वो तो बहरे की जरूरत नहीं वो काफी डरे भी नहीं है और उन्होंने अच्छी तरह से उसको देखते रहे
ये भी काबिल तारीफ है ताकि लोग डर के पूरे पागल होने का सवाल ही नहीं हमारे पांव के ऊपर चल रहा है ये बात अरे इधर चले थे हम डर का सवाल नहीं हमारे पांव के ऊपर बाहर जाता है वो हमें क्या रहता है वो यहाँ रहते हो हमेशा रहता है देखिए गाय वगैरह ये देखिए आप कैमरा मैन जो कहता हूँ ये देखिए गाय वगैरह है इनसे कुछ मतलब नहीं है ना मतलब नहीं करता दूध पीता है ये पीता है सब झूठ है सब झूठ है इनको जानवर से कुछ नहीं छोड़ेंगे जानवर भी इसको कुछ नहीं करेगा और ये भी कुछ नहीं करेंगे हम इंसान डरेंगे ये पांव से अंदर जाके जाके जब आ जाता है ये सब लोगों को किसानों को खासकर पता होना चाहिए तो डर के आप ऐसा मत कोई कीजिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम फास्ट आए हमारा फर्ज था लेकिन उससे पहले भी हमारे हमें बुलाने वाले लोग समझदार होना बहुत जरूरी है जिस तरह से सर ने यहाँ पर अपना काम निभाया है ये भी काबिल तारीफ है इसलिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं साहब तो मीटिंग सीजन में थे वो मिलना बहुत मुश्किल रहते हैं 10 में से 1 जोड़ी मिलते हैं क्यों वो लोग शोर मचाते हैं कपड़े डालते हैं और सांप भाग जाता है हम कितनी जल्दी आते हैं उससे ज्यादा सांप कितनी जल्दी आसानी से मिलता है उधर रहता है वो बहुत जरूरी है और बहुत सारी बातें जो 15,000 वाला सांप पकड़ा जो पांडे जी हमारे साथ में थे 1,00,000 सब्सक्राइब हुए हमारे साथ में थे उनके पल्ले वहां पर थे हम घर वापस जा रहे थे और जोड़ी पकड़ा है वो हमारे साथ में है 2500 किलोमीटर से मैं आया हूँ झारखंड हाँ ट्रेनिंग के लिए इनके साथ मैं हाँ, पकड़ता हूँ लेकिन ये बहुत महारत हासिल व्यक्ति हैं 1,00,000 सब्सक्राइबर इनका पूरा हुआ रिकॉर्ड उनका मैं गवाही बना दूसरा ये 15,000वां सांप पूरा हुआ वो भी कोबरा था मैं साथ में था ये हमें सब दिन याद रहेगा इनका ये रिकॉर्ड के का मैं था और उसके बाद मतलब क्या कहें इनके बारे में जितनी तारीफ को यह मैंने शब्द नहीं मिल पा रहे हैं इतने बड़े एक्सपर्ट और मैं बताया ना 2500 किलोमीटर से आया हूँ सीखने के लिए अरे आपके बगल में है तो इनके तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब्सक्राइबिंग लाइक सब्सक्राइबिंग और बेल वाला घंटी जरूर दबाइए प्लीज ये एक एक और बात है पूरा फैमिली ऑल फैमिली समर्पित है छोटे छोटे बच्चे का जंगल में गया था वो लोग भी सांप लेने से नहीं डरते हैं बहुत बड़ी बात है और आप लोगों के लिए शाम में सांप बहुत ही सीधे साधे बन जाते हैं कि दूसरा रूप ले रहे से लगते हैं दिन में बहुत सक्रिय रहने वाला धामंदी की कितना प्यार से रहता है ऐसा आपको प्यार दिन में नहीं देखने को मिलता क्योंकि इनको ज़्यादा दिखाई नहीं देता ये नेचुरल टाइम नहीं है नहीं तो इधर से वो नेचुरल है उधर निकल जाएंगे तो बीच रास्ते में उनको कहाँ छोड़ देंगे उनको समझ भी नहीं आता मतलब धामन जो है दर्विकर है रात में उसको ज़्यादा दिखाई नहीं देता इसलिए ऐसा व्यवहार करते रहते हैं आप कभी भी काम करते तो संभल कर कीजिएगा इनके साथ मजाक मत कीजिएगा और ये कोई स्टंट वगैरह नहीं है उनके जान के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको पता है लेकिन कुछ बातें करनी पड़ती है समाज में पकड़ता हूँ मेरा लड़का भी पकड़ता है मेरे फादर वगैरह बड़े पिताजी भी पकड़ते थे हम बेटर ट्रेनिंग के लिए इनके पास आए यानी कि आप हम लोग का देखा देखी सांप का आइडेंटिफाई नहीं है और हाथ मत लगाइएगा नहीं तो आए दिन वीडियो अगर वायरल होता है कि कुछ लोगों ने बच्चों ने अजगर का बच्चा समझ कर असल व्यापार को गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए ये तरीका है वो ज्ञान का है जो सर बता रहे मैं बहुत ज्ञानी हूँ ऐसा नहीं बोलूंगा लेकिन आप गलतियों से 20% सर्पमित्र जो है नए नए उनको साफ करने की क्रिया हुई है और बहुत सारे लोग इसका गलत मतलब निकाल के उनको मारने का ये हिम्मत जो है उनको बचाने के लिए लगाई है उनको मारने के लिए नहीं और हर बात ऐसा ही होता ऐसा नहीं है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन हो गया तो काट सकता है और आपकी जान के साथ उनको खतरा डालने का हमें कोई अधिकार नहीं है ये बात समझ के हम वीडियो बनाने का जो मकसद है सांपों का डर निकालना मतलब कल आप सांप पकड़ना शुरू करो ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है तो हर बात संभल के करना चाहिए आप जिंदा रहे तो भी सांपों को जिंदा रह सकते हैं तो अवेयरनेस के लिए हम वीडियो बनाते हैं स्टंट करके लोगों में फेमस होना ये इसका मकसद नहीं है सांपों को फेमस बनाना है सांपों की जाति क्या है वो किस तरह से हमारे साथ रहते हैं जुड़े रहे हैं और क्या करते हैं देखो मैं बहुत इसलिए कह रहा हूँ किसी का ऐसा मैं ये नहीं करता कि अरे यार ये इतने बड़े हैं लेकिन उन्होंने सच में ऐसा तबीयत में सांप रहते तो लोग डर के बात भी नहीं कर पाते लेकिन उन्होंने अच्छाई से उसको देखा उनकी पत्नी जो वो बाहर ही शायद वो मैडम वो वहां से बात कर रहे हैं लेकिन उन्होंने ये सब यहाँ से संभाला ये बहुत जरूरी है तो आप भी जब कॉल करते किसी सर्पों मित्र को तो यहाँ पर जो कुछ होता है वो समझने की कोशिश करके बच्चा कितने दिन के बाद देता है ये यहाँ पर अभी मेल फीमेल जो मीटिंग हुआ तो एक वक्त में कभी कभी कितना शुक्राणु छोड़ता है उसमें रहता है नहीं रहता है वो बात अलग है और फीमेल छोड़ता है स्मेल इसके लिए मेल आकर्षित होता है मीटिंग होता है उसके बाद तकरीबन 4 हफ्ते लगते हैं 4 हफ्ते मतलब जून की शुरुआत में रहता है और अंडे डालने के लिए कभी ये बच्चे डालने के लिए कभी 6 हफ्ते लगते हैं अभी अंडे डालेगा अंडे डालने के बाद बच्चे पैदा नहीं होंगे उसके बाद तकरीबन 60 दिन लगेंगे
जैसे बतख मुर्गी का अंडे का होता है ना उस टाइप का, इतना बच्चा निकलता है। फरवरी हो रहा है, मार्च अप्रैल के एंड, मार्च अप्रैल के एंड और मई जून एंड उनके निकलते हैं। ये वीडियो 15 तक डालता है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी 15 तक, इसलिए पूछ सकते हैं सवाल कोई। वो बोनस का सुना था 30-40 50 तक डालता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चे देता है, 40 तक डालता है बोनस रसल वाइपर, 50 तक वो बच्चा देता है, 15 तक देता है, अंडे डालता है। और एक बात और मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग हिम्मती लग रहे हैं तो पकड़ दे, अगर इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो सर हैं इतने करीब आपकी, गुड लक की बात है ट्रेनिंग लेके। लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट था जो विक्रम मलोट जी पंजाब में, हम लोग ऑल इंडिया से स्नेक सफर जुड़े हुए हैं, उनकी डेथ इतनी बुरी हुई इतने एक बड़ा एक्सपर्ट का, और जो वो जहरीला सांप तो उसमें उनकी जान चली गई। तो ये मैंने दोनों ही चीज इसमें ख्याल रखिए, मैंने सांप देख के ज्यादा काट के पैर हाथ नहीं तोड़ना है, वो काटेगा नहीं भाग जाएगा नंबर। और दूसरा कि हम लोग का देखा देखी में मैंने जहरीला वाला को भी नहीं पकड़ के आत्महत्या गले लगाना है सर, बिजली का तार पकड़ के मत छुड़ाइए। वो फीमेल और मेल का स्किन अलग अलग रहता है क्या? सेम ही रहता है, उसकी पूंछ में लंबाई में थोड़ा फर्क रहता है, नहीं जरा ये अलग रख ला है वो अलग है। कलर इसका कलर इसका भी रहता सकता है, ये कलर में अलग है वो, ये अलग अच्छा है, लेकिन ये मेल है इसीलिए इसका ग्रे है, इसका पीला ऐसा कुछ नहीं है। मैं शुरुआत में नहीं पहचाना इनको, मैं कहा पहचाना मैं एक्सपर्ट हूँ, मतलब बाद में कलर से वगैरह नहीं, उसकी लंबाई थोड़ी मुझे देखनी पड़ेगी, जांचना पड़ेगा, अलाहुड़ा जाति का जो है ना उसके नाक पर एक सिंग जैसा दिखाई देता है, और फीमेल जो उसके नाक पर दो सिंग जैसा दिखाई देता है, ये फर्क नहीं तो काफी फर्क नजर नहीं आता, इतने समान रहते हैं। जहरीले और विषैले नहीं है वो फर्क यह जाता है। बैग ये क्या है, ये जब आते हैं ना हम अलग पहला काम क्या करना चाहिए, बैग सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। अच्छा, अच्छा। दूसरा ये पहले ही चेन ओपन होना चाहिए। अच्छा अच्छा। और नोटबुक। अच्छा अच्छा। मैं तो डब्बे में का इस्तेमाल करता हूँ, डब्बे में हाँ मैं बड़ा बड़ा डब्बा रखा हूँ उसी में डाल लेता हूँ। और इनकी जो देखिए इंडिया में ये कौन सा है अंदर, वो कोबरा है, कोबरा है, वो धामन है, धामन है, कोबरा बड़ा कोबरा है, बड़ा है। एक मिनट, मैं इंडिया हर जगह जुड़े हुए हैं, इतना छोटा बैग में बड़ा बड़ा कोबरा को डालने वाले पहले आदमी इनका एक्सपीरियंस है, कहाँ उसका माथा है किधर पूछे ये बता देख के बता देते हैं। और ये हम लोग को नहीं कर, मैं भी साफ पकड़ता हूँ लेकिन मैं इनका जैसा वो बैग में नहीं नहीं डाल सकता, मैंने खास के धामिन कोई बात नहीं है नहीं। लेकिन कोबरा छोटा बैग में डालना बैक बाइट चलो सर्वांचे आभार, चैनल पहली बार पाहत असाल तर सबस्क्राइब करा, नाही बघता का व्हिडिओ आवडला लाईक करा, व्हिडिओ बघतो इतराना शेअर करा, सबस्क्राइब बोलता है उसको लाईक सबस्क्राइब ती पोहोचवायची एंड द बेल, आपला सहकार्य महत्त्वाचं आहे आणि हा सपना जगवण्याचा प्रवास अशा पद्धतीने सुरू राहणार आहे। आभारी आहोत, धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे जो थंब बटन है उसे ज़रूर दबाएं। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब है उसे दबाएं, और साथ में बेल आइकॉन बटन भी दबाएं। धन्यवाद।